बजरंग कुछ खाने के लिए इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी आंखें आसमान में उगते हुए लाल सूर्य पर पड़ी। अरे वाह, क्या फल है, मैं इसे खाऊंगा। अपने विशेष शस्त्र वज्रायुधम को फेंककर बजरंग पर प्रहार किया, जिससे बजरंग की ठुड्डी पर चोट लग गई और वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। हे गुरुदेव, कृपया मुझे बताएं कि मैं आपको गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दे सकता हूँ। मैं केवल ये चाहता हूँ कि तुम वानर राज सुग्रीव के मंत्री बन जाओ। सुनो पवन पुत्र, तुम अपनी शक्ति, धैर्य तथा शूरता के बल पर अवश्य ही सीता को ढूंढ लोगे। अब तुम जाओ। हनुमान की बातों ने वानरों में एक नया उत्साह जागृत कर दिया। वो पुनः माता सीता को ढूंढने में लग गए, परंतु एक महीने के पश्चात वानर घबरा गए। यदि हम कार्य संपन्न किए बिना लौटेंगे तो राजा सुग्रीव हमें अवश्य दंडित करेंगे। उससे तो अच्छा है कि समुद्र के तट पर हम भूखे ही अपने प्राण त्याग दें। इसके अतिरिक्त हम सबके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। अंगद को बुरी तरह घबराया हुआ देखकर सभी वानरों में निराशा छा गई। वृद्ध किंतु बुद्धिमान गिद्धों के राजा संपत्ति ने वानरों की ये स्थिति देखी तो उसे बहुत प्रसन्नता हुई। लगता है हमारे भोजन की व्यवस्था हो गई है। जब भूख से ये वानर एक एक करके मरेंगे तो मैं और मेरा परिवार इन्हें खा सकेगा। अंगद ने जब भूखे संपत्ति की बात सुनी तो वो भयभीत हो उठा। ये कष्ट हम पर इसलिए टूट पड़ा है क्योंकि श्री राम का काम अधूरा रह गया है तथा हम अपने राजा के आदेश का पालन नहीं कर पाए। जटायु की तरह हम भी श्री राम के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। संपत्ति ने ये सुनकर कहा, सुनो, तुम कौन हो और मेरे भाई जटायु की मृत्यु के बारे में क्या बात कर रहे हो? मुझे उनकी मृत्यु ने बहुत दुख पहुंचाया है। कृपया मुझे बताओ उनकी मृत्यु कैसे हुई? जब एक राक्षस माता सीता का अपहरण करके ले जा रहा था तब उन्हें बचाने की चेष्टा में जटायु ने प्राण त्याग दिए। माता सीता को ढूंढने का कार्य हमें सौंपा गया था। क्या आप हमें उस राक्षस के विषय में कुछ बता सकते हैं? श्री राम की मदद के लिए अवश्य बताऊंगा। मैंने लंकापति रावण को अपने साथ एक सुंदर स्त्री को समुद्र के उस पार लंका की ओर ले जाते हुए देखा था। विशाल समुद्र को देखकर वानर सेना हतोत्साहित हो गई। परंतु हम इस विशाल समुद्र को कैसे पार करेंगे? वानरों के मित्र सबसे अनुभवी योद्धा वृद्ध जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्ति की याद दिलाई। हनुमान, शक्ति और साहस में तुमसे अधिक कोई भी नहीं है। तुम्हारे बराबर इस संसार में दूसरा कोई नहीं। तुम ही सागर के उस पार छलांग लगा सकते हो। हनुमान को जब अपनी शक्ति का ज्ञान हुआ तो उन्होंने कहा, मैं माता सीता का पता लगाकर ही वापस लौटूंगा। हनुमान का आकार बढ़ने लगा, बढ़ता गया, बढ़ता ही गया। जैसे जैसे आकार बढ़ता गया, वानरों में उत्साह भी बढ़ता गया। हनुमान ने हवा में छलांग लगा दी तथा बिना किसी व्यवधान के उड़ते चले गए। समुद्र के मध्य हिमालय पुत्र पर्वत मैनाक ने समुद्र से बाहर अपना शीश निकालकर हनुमान से कहा, हनुमान, आगे बढ़ने से पहले तनिक विश्राम कर लो और अपनी शक्ति वापस जुटाकर लंका की ओर प्रस्थान करो। भ्राता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु मैं जब तक अपने प्रभु की आज्ञा पूरी नहीं कर लेता तब तक मैं एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं कर सकता हूँ। मैनाक से ये कहकर हनुमान लंका की अपनी यात्रा पर आगे बढ़ चले। उनकी बुद्धि तथा उनके साहस की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने नाग माता सूरसा को भेजा। वो राक्षसी के भेष में हनुमान के सामने प्रकट हो गई। हे वानर, रुक जाओ, मैं तुम्हें निगलकर अपनी भूख मिटाना चाहती हूँ।
माते, मैं जल्दी में हूँ। जब मैं वापस लौट रहा होऊंगा तब आप मुझे खा लेना। अपनी बकवास बंद करो वानर, इसी समय मेरे मुंह में चले आओ तथा शीघ्र ही मेरी भूख मिटाओ तुम। ठीक है माते, जैसी आपकी आज्ञा। सुरसा ने हनुमान को निगलने के लिए अपने विशाल बुक को खोलना शुरू किया। ये देखकर हनुमान ने अपना आकार बढ़ाना आरंभ कर दिया। जैसे जैसे सुरसा के मुख का आकार बढ़ता गया, हनुमान भी अपना आकार बढ़ाते गए। फिर एकदम से छोटे हो गए तथा सुरसा के मुख में प्रवेश करके तुरंत बाहर आ गए। माते, मैं आपके मुख में जाकर वापस आ गया हूँ, क्या अब मैं अपने कार्य पर जा सकता हूँ? मैं तुम्हारे इस कार्य से संतुष्ट हुई। देवताओं ने मुझे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था। अब मैं वापस जाकर उनसे कह सकती हूँ कि तुम अवश्य ही राम का कार्य पूरा करोगे। विजय तुम्हारी ही होगी। सुरसा का आशीर्वाद पाकर हनुमान ने आगे प्रस्थान किया, परंतु हनुमान को पुनः एक अवरोध का सामना करना पड़ा। इस बार थी सिंहिका, जो हनुमान की परछाई देखकर बाहर आ गई थी। सिंहिका अपनी अलौकिक शक्ति से किसी को भी उसकी परछाई के द्वारा पकड़ लेती थी। मैं कितने समय से भूख से बेहाल बैठी हुई थी, आज मैं स्वादिष्ट भोजन का आनंद लूंगी। सिंहिका ने हनुमान को उनकी परछाई के माध्यम से पकड़ लिया। हनुमान हिल भी नहीं पाए, सिंहिका ने उन्हें निगल लिया। अंदर जाकर हनुमान ने अपना आकार बढ़ाना आरंभ कर दिया। इससे सिंहिका की छाती फट गई तथा हनुमान बिना किसी क्षति के बाहर निकल आए। हनुमान लंका की ओर उड़ चले। हनुमान के पास बुद्धि तथा शक्ति के द्वारा किसी भी अवरोध को पार करने की क्षमता थी। वो लंका की ओर बढ़ते गए। उनके पास जो अपार शक्ति थी वो मात्र शारीरिक नहीं थी, अपितु बौद्धिक तथा दैविक दोनों ही थी, जिसके कारण वो विजयी हुए। हनुमान श्री राम की दी हुई पवित्र अंगूठी को सागर पार लंका नगरी में लेकर पहुंच चुके थे। लंका के पहरेदार रात को आने वाले सभी अजनबियों की जांच पड़ताल किया करते थे, परंतु वानर होने के कारण हनुमान चुपके से लंका के भीतर प्रवेश कर गए। हे प्रभु, मैंने माता सीता को कभी नहीं देखा, मैं उन्हें कैसे ढूंढ पाऊंगा? हनुमान ने महल के अंदर ये सोचकर प्रवेश किया कि रावण ने सीता माता को वहीं छुपा रखा होगा। उन्होंने महल का चप्पा चप्पा छान मारा। यहाँ तो अनेक सुंदर स्त्रियां सो रही हैं, इनमें से माता सीता कौन है? मुझे नहीं लगता इनमें से कोई है। माता सीता को नहीं ढूंढ पाया तो प्रभु से क्या कहूंगा? यदि मैं उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाया तो मेरा जीना ही व्यर्थ है। सीता माता को ना देख हनुमान बेचैन हो उठे। राम नाम का जप करके उन्होंने अपने आप को शांत किया। राम 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 राम। सीता की खोज में वो महल के बाहर आ गए। अब मुझे क्या करना चाहिए? यदि मैं माता सीता से मिले बिना ही गया तो सुग्रीव क्रोधित हो जाएंगे। भगवान राम ने जो कार्य मुझे सौंपा है, यदि मैं उसे नहीं कर पाया तो मेरा जीवन व्यर्थ है, मेरा यही मर जाना उचित होगा। हनुमान चिंतित हो वाटिका में टहलने लगे और तभी अचानक उन्हें ध्यान आया। अरे वाह, मैंने तो यहां ढूंढा ही नहीं था, यहां ढूंढता हूं। वाटिका में लंबे लंबे अशोक के वृक्ष थे। हनुमान एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर छलांग लगाते रहे और जब वो एक बड़े से वृक्ष पर पहुंचे तो उन्होंने उस वृक्ष के नीचे बैठी एक सुंदर स्त्री को देखा। उसके चारों ओर पहरेदार थे। एक राक्षसी त्रिजटा उस सुंदर स्त्री से बात कर रही थी।
चिंता मत करो, राम अवश्य ही तुम्हें लेने आएंगे पुत्री, अब तुम रो मत। हनुमान ये सब सुन रहे थे, उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। हनुमान नीचे छलांग मारने ही वाले थे, तभी उन्होंने उस स्त्री की ओर बढ़ते हुए रावण को देखा। मेरी बात ध्यान से सुनो सुंदरी सीता, तुम्हें मुझसे विवाह करना ही होगा। रावण, ये कभी नहीं होगा, तुम इसे भूल जाओ, यही तुम्हारे हित में होगा। एक दिन मेरे प्रभु मुझे अवश्य ही लेने आएंगे और वही तुम्हारा अंतिम दिन होगा। सैनिकों, यदि इसने हमारी बात नहीं मानी तो इसे मार दो। रावण उस वाटिका से चला गया तथा राक्षसियां सीता माता को समझाने लगी। इसे मार डालते हैं, ये हमारे महाराज रावण की बात नहीं मान रही है। हनुमान ने ये सुन लिया। माता सीता के सामने उपस्थित होने का यही उचित समय है। हनुमान पेड़ से कूदकर नीचे राक्षसियों के मध्य पहुंच गए। उन्हें देखते ही राक्षसियां भयभीत होकर वहां से भाग गईं। रावण, तुम चाहे कोई भी वेश धारण कर लो, किंतु मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी। चले जाओ यहां से और मुझे अकेला छोड़ दो। मैं रावण नहीं हूं माते, मैं हनुमान हूं, प्रभु राम का सेवक हूं। मैं यहां आपकी सेवा में आया हूं। झूठ मत बोलो, यदि तुम्हें प्रभु राम ने भेजा है तो तुमने इतना बड़ा सागर कैसे पार कर लिया? माते, सर्वप्रथम मैं आपको प्रभु राम की दी हुई अंगूठी दिखाना चाहूंगा। हनुमान ने माता सीता को वो पवित्र अंगूठी दे दी। अंगूठी देखते ही सीता माता का चेहरा खिल उठा। हनुमान, मैं तो बस इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। सीता माता ने अपना एक आभूषण उतार कर हनुमान को दिया। इसे मेरे प्रभु को देना और कहना उनकी सीता उनकी प्रतीक्षा कर रही है। जी माते, किंतु यहाँ से जाने से पहले मैं पूरी लंका को दिखाना चाहता हूँ कि प्रभु राम कितने शक्तिशाली हैं। आप चिंता न करें, आपको कुछ नहीं होगा। हनुमान ने उस वाटिका के वृक्षों को उखाड़ना आरंभ कर दिया। उन्होंने पूरी वाटिका को तहस नहस कर दिया। उसके पश्चात राक्षसियों को अपने हाथों में उल्टा लटका कर टकरा टकरा कर मारने लगे। ऐसा करते हुए वो गरजते हुए बोले, मैं प्रभु राम का सेवक हूँ, मैं रावण को निगल जाऊंगा तथा लंका को तहस नहस कर दूंगा, देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। कुछ ही समय पश्चात वो सुंदर वाटिका पूरी तरह तहस नहस हो गई। रावण के पास इस बात की सूचना पहुंची। सैनिकों, तुम लोग क्या कर रहे हो? एक वानर को नहीं पकड़ सकते? सेना लेकर शीघ्र जाओ और उसे यहाँ लेकर आओ। मंत्री सेना लेकर हनुमान को पकड़ने पहुंचा, परंतु हनुमान ने सेना को भी तहस नहस कर दिया। वो रावण के दरबार खाली हाथ लौट आया। लज्जा आनी चाहिए तुम्हें, अब तुम मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, तुम यहाँ से चले जाओ। पिताश्री, आप मुझे बाहर जाने की आज्ञा दें, मैं शीघ्र ही उस वानर को पकड़कर आपके सामने लाऊंगा। इंद्रजीत वाटिका में जा पहुंचा तथा हनुमान के साथ युद्ध करने लगा, परंतु इंद्रजीत के लिए भी हनुमान को पकड़ पाना संभव नहीं था। मुझे शांत हो जाना चाहिए, रावण से जो मिलना है अतः मुझे पराजित होना ही होगा। जैसे ही हनुमान स्थिर हुए, इंद्रजीत ने उन्हें अपनी भुजाओं में जकड़ लिया। हनुमान को रस्सियों से बांधकर रावण के सामने प्रस्तुत किया गया। हनुमान को देखते ही रावण क्रोध से आग बबूला हो उठा। तो मेरी वाटिका को तहस नहस करने वाले वानर तुम ही हो? हाँ, यदि तुमने माता सीता को प्रभु राम के पास नहीं भेजा तो तुम्हारा साम्राज्य भी तहस नहस हो जाएगा। सैनिकों, इसकी पूंछ को तेल में भिगाकर उसमें आग लगा दो। सैनिकों ने हनुमान की पूंछ में वस्त्र लपेटना आरंभ किया, परंतु हनुमान की पूंछ लंबी और लंबी होती गई। अंततः सैनिक थक गए। आग लगा दो इसकी पूंछ में। हनुमान ने गहरी सांस ली
तथा रस्सियों को धागे की भांति तोड़ डाला। आग लगी हुई पूंछ के साथ हनुमान आसमान में उड़ चले। वो महल, भवनों तथा वाटिकाओं के ऊपर उड़ने लगे। उन्होंने अपनी जलती हुई पूंछ से सब जगह आग लगा दी। अशोक वाटिका के ऊपर उड़ते हुए उन्होंने ये ध्यान रखा कि माता सीता सुरक्षित रहे। प्रभु श्री राम के पास लौटने से पहले उन्होंने अपनी पूंछ में लगी आग को समुद्र में बुझाया। उनकी पूंछ जली नहीं थी। लंका में तबाही मचाने के पश्चात भयंकर गर्जना करते हुए हनुमान आकाश में उड़ चले। श्री राम के पास पहुंचकर हनुमान ने उन्हें माता सीता की कुशलता की सूचना दी। श्री राम ने सुग्रीव तथा वानर सेना की सहायता से लंका नगरी पर आक्रमण करने का निर्णय लिया, किंतु इस कार्य को पूर्ण करने हेतु समुद्र को पार करना अनिवार्य था। वानर सेना ने शिलाओं की मदद से समुद्र में सेतु का निर्माण किया, जिसके फलस्वरूप सभी लंका पहुंच गए तथा रावण पर आक्रमण कर दिया। इसी बीच एक दिन रावण ने दरबार में अपने मंत्रियों को बुलाया। बताओ मंत्री, युद्ध की वर्तमान स्थिति क्या है? महाराज, युद्ध में हम आधे से अधिक सैनिकों को खो चुके हैं। रावण ये सुनकर आग बबूला हो उठा। हम राम को पराजित क्यों नहीं कर पा रहे? ये अत्यंत लज्जा का विषय है। मुझे अपने भाई कुंभकर्ण को युद्ध क्षेत्र में भेजना होगा। गहरी निद्रा में लीन कुंभकर्ण को जगाने के लिए एक दल भेजा गया। घंटे बजाए गए, नगाड़े पीटे गए और अंत में तुंदुभियों की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। महाशक्तिशाली, आपके भाई रावण आपसे मिलना चाहते हैं। कुंभकर्ण रावण से मिलने गया। भ्राता, बताइए कौन से कार्य के लिए मुझे मध्य निद्रा से जगा दिया गया? मेरी इच्छा है कि युद्ध क्षेत्र में जाकर तुम राम को पराजित करो। कुंभकर्ण के रणभूमि में प्रवेश करते ही कुछ वानर उसके पैरों से कुचल गए और जो बचे थे वो इधर उधर भागने लगे। राम ने बाणों की वर्षा करके उसे रोकना चाहा, पर कुंभकर्ण लड़ता रहा। अंततः वो राम के हाथों मारा गया। वानर सेना में हर्ष छा गया और रावण के महल में विषाद व्याप्त हो गया। महाराज, कुंभकर्ण मारे गए। रावण अपने भाई की मृत्यु से हताश और उदास हो गया था। जब उसके पुत्र इंद्रजीत को इसके विषय में ज्ञात हुआ तो वो अपने पिता से मिलने उनके पास आया। आप चिंता ना करें पिताश्री, मैं राम से प्रतिशोध लूंगा। मैं उन दोनों भाइयों को मृत्यु के मुख में अवश्य ही पहुंचा दूंगा। बहुत अच्छे पुत्र, वीरता के साथ युद्ध क्षेत्र में राम से लड़ो तथा विजयी होकर लौटो। इंद्रजीत को देवताओं से वरदान प्राप्त था कि वो शत्रुओं से युद्ध करते समय अदृश्य हो सकता है, तो इंद्रजीत ने अदृश्य होकर रणभूमि में प्रवेश किया और वानरों पर टूट पड़ा। परिणाम स्वरूप बहुत सारे वानर मारे गए। वो रहा लक्ष्मण जो मेरी सेना के विरुद्ध लड़ रहा है। यदि मैं लक्ष्मण को मारने में सफल रहा तो राम और उसकी सेना का मनोबल इतना गिर जाएगा कि वो युद्ध नहीं कर पाएंगे। इसके उपरांत मेरी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। तुरंत ही इंद्रजीत ने ब्रह्मा द्वारा दिए गए शक्तिशाली शस्त्र का लक्ष्मण पर प्रहार कर दिया। उसके प्रभाव से लक्ष्मण उसी पल मूर्छित हो गया। हे भ्राता, मैं घायल हो गया हूँ। हनुमान उसी पल सुषेण को लाने के लिए हवा में उड़ चले।
वे सुषेण को उनके घर समेत उठाकर श्री राम के पास ले आए। हिमालय पर पाई जाने वाली जड़ी संजीवनी से ही लक्ष्मण का जीवन बचाया जा सकता है तथा वो सूर्योदय से पूर्व ही आ जानी चाहिए। उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच ही गए हनुमान नीचे उतर आए और वहां उन्होंने तरह तरह की जड़ी बूटियां देखी। मैं क्या करूं? मैं संजीवनी बूटी को नहीं पहचान पा रहा हूं तथा समय भी बीतता जा रहा है। जब वो संजीवनी बूटी न पहचान पाए तो उन्होंने संपूर्ण पर्वत को ही उठाकर ले जाने का निश्चय किया। तभी उन्हें सूर्य की पहली किरण दिखाई पड़ी। सूर्य देव कृपया आप अभी मत निकलिए। सूर्य देव ने हनुमान की बात नहीं मानी और उगते रहे। सर्वप्रथम मैं आपको प्रभु राम की दी हुई अंगूठी दिखाना चाहूंगा। हनुमान ने माता सीता को वो पवित्र अंगूठी दे दी। अंगूठी देखते ही सीता माता का चेहरा खिल उठा। सीता माता ने अपना एक आभूषण उतार कर हनुमान को दिया।